This conference will now be recorded. गुड मॉर्निंग फ्रेंड, देखिए आज जो मैं टॉपिक आपके लिए लेके आया हूँ शॉर्ट वीडियो के अंदर, उस शॉर्ट वीडियो के अंदर हम लोग सीखेंगे कि किस तरीके से हम लोग खर्चे की एंट्री परचेज वाउचर से कर सकते हैं। जैसे काफी सारे लोग मुझे कॉल करते हैं और कहते हैं सर कि हम अपने एक्सपेंस की एंट्री परचेज से करना चाहते हैं, चाहे मेरा ऑफिस का रेंट मैं किसी को पे करूं, ठीक है, या मैं कोई स्टेशनरी परचेज करूं, या किसी भी तरह की एक्सपेंस की एंट्री मुझे बीजी से पास आउट करनी हो भी परचेज वाउचर से, तो मैं किस तरीके से करूंगा वो मुझे बताइए। तो चलिए मैं आज आपका सेशन आप लोगों के लिए लेके आया हूं, तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। सबसे पहले अगर हम लोग जेन्युइन सीखें क्या किस प्रोसेस में करते हैं एंट्री, सबसे पहले जानते हैं। अगर हम लोग एक्सपेंस की एंट्री की बात करें तो सबसे पहले हम उस एक्सपेंस का नाम लिखते हैं जो भी हमारा एक्सपेंस होता है, और ग्रुप में एक्सपेंस इंडायरेक्ट डालकर सेव करते हैं, जीएसटी एप्लीकेबल करते हैं, जो भी टैक्स रेट था वो टैक्स रेट डालते हैं, इनपुट गुड्स है, सर्विस है, जो भी और डाल के हम इसको सेव कर देते हैं, से 1 लाख। उसके बाद जिस पार्टी से हमने खरीदा है उस पार्टी का नाम डालते हैं, पार्टी पार्टी नेम डालते हैं, ग्रुप में संडी क्रिएटर्स लेते हैं, और जो भी उनका एड्रेस या जो भी चीजें होती हैं हम यहां डाल के आगे बढ़ जाते हैं। क्लियर है? उसके बाद इसको सेव कर देते हैं। क्लियर? साथ साथ हम खर्चे के साथ टैक्स को भी डेबिट करते हैं, इनपुट लोकल की तो सीजीएसटी, जितना टैक्स रेट लगता है उसका हाफ ऑफ लगा लेते हैं, 1000 है, 1000 का 18% 900 1800 रुपए टैक्स बनता, मैंने 900 डिवाइड कर दिया, एसजीएसटी इनपुट कितना 900, टोटल मुझे पार्टी को 11800 रुपए देने हैं। ये हमारी नॉर्मल एंट्री होती है जब हम कभी जनरल से अपने एक्सपेंस की एंट्री को पास आउट करते हैं। और एक चीज मैंने मिस्टेक कर दी, मुझे यहाँ पर अगर अपनी फर्म का रजिस्टर्ड है तो B2B एक्सपेंस के अंदर दिखाना है, और अगर पार्टी अनरजिस्टर्ड है तो उसे एक्सपेंस पेड बाय B2C के अंदर दिखाना है। ठीक है, अगर रजिस्टर्ड पार्टी तो B2B और अनरजिस्टर्ड पार्टी तो B2C लेते हैं। अगर यही एंट्री अगर मुझे परचेज वाउचर से करनी होती तो मुझे किस तरीके से करनी है वो चीज हमें यहाँ पर देखें। सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे आप नॉर्मल मेन लेते हो मेन लीजिए, आपकी जो डेट है वो डेट डालिए, वाउचर नंबर डालिए, और यहाँ पर जैसे क्लिक करोगे यहाँ पर आपको मिलेगा एक एग्जाम एक मिलता है, यहाँ पर एक एक्सपेंस नाम से भी बना सकते हो कि सेल टाइप किसके लिए, एक्सपेंस के लिए, आप बनाना चाहो तो बना लो या फिर किसी 18% के अंदर ले लो, या उस पार्टी का नाम डाल दो जिस पार्टी से आपने उस खर्चे को करा है या हुआ है। उसके बाद यहाँ पर F3 करके एक आइटम बनाइए और आइटम का नाम लिख देना एक्सपेंस या जो भी आपका नाम है, स्टेशनरी, प्रिंटिंग या जो भी आपका नाम है वो टाइप कर देना यहाँ पर आपका। दिस कॉन्फ्रेंस विल नाउ बी रिकॉर्डेड। और जो भी एक्सपेंस का नाम है आपको यहाँ पर डाल दें, उसके बाद यूनिट में आप NA लेंगे, फिर अगर जो भी टैक्स रेट वो डालिए, HSN कोड एंड यहाँ पर एक स्पेसिफाई परचेज अकाउंट मिलेगा, वहां पर इसको लिंक कर दें उस एक्सपेंस के साथ जो भी आपका एक्सपेंस है। तो मेरे पास एक्सपेंस नाम का अकाउंट था तो मैंने यहाँ पर एक्सपेंस नाम के अकाउंट के साथ इसको अटैच कर दिया और सेव कर दिया। NA लेने का मतलब है कि अभी आइटम एक अकाउंट है, एक आइटम नहीं है, और यहाँ पर मैंने मेंटेन कर दिया डोंट मेंटेन स्टॉक बैलेंस, उसके बाद मैंने इसको ओके कर दिया, और जितने रुपए का भी खर्चा वो खर्चा डाल दो, उसके बाद F2 करके यहाँ पर जो भी टैक्स वो लगाओ और इसको ऐसे ही सेव कर दो। जैसे ही आप इसको सेव करेंगे आपकी खर्चे की एंट्री परचेज वाउचर से होगी। अब अगर आप ओल्ट आई करें और आइटम का खर्चे का नाम लिखें तो देखिए यहाँ पर कोई ना तो आपकी इन क्वांटिटी दिखा ना ही आउट दिखा रहा, क्योंकि हमने स्टॉक को मना कर दिया था कि डोंट मेंटेन स्टॉक। दूसरी चीज, अगर मैं ऑल टेल करूँ और उस एक्स पार्टी का नाम डालूं तो यहाँ पर देखिए आपकी 11800 रुपए के नाम से दिखा रहा है, और अगर मैं इसकी जीएसटी में रिपोर्ट देखूं तो GSTR2 में भी इसका रिफ्लेक्शन प्रॉपर वे में हो रहा है। जैसे आप इस पर एंटर मारेंगे तो आपका जो भी खर्चा है वो B2B के अंदर शो हो रहा है एज अ पार्टी नेम के हिसाब से। तो आप इस तरीके से अपनी एक्सपेंस की एंट्री परचेज वाउचर से कर सकते हैं।